कोर्स तो 11 किलोमीटर बचे हैं और ये दिखा रहा है 16 मिनट लगेंगे 20 की स्पीड से, ऑलमोस्ट इतने ही लगेंगे क्योंकि 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, 20-22 की स्पीड से मैं तो आधे घंटे में 10-11 और मिनट में 5-6 किलोमीटर चलूँगा, कितने ही लग जाएंगे, आधा घंटा भी लग जाएगा पहुंचने। और कुछ तो बात होता है अमेजिंग जगह, और अब तो यहाँ टेम्परेचर गिरने लग गया है, मैंने ग्लव्स विंटर वाले लिए उसके नीचे वो इनर भी डाले ग्लव्स के नीचे डिकैथलॉन के, उसके बाद भी ठंड लग रही है। आई होप आगे थोड़ा सा रोड क्लीन मिल जाए, हवा से हेलमेट के अंदर बैठे पूरा नाक भी बंद हो गए। तो वो मेहनत तो लगती है पर फिर भी नेचर के ऐसे रूप को देखने के लिए तो आना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम पर डालना ही पड़ेगा। नहीं हम दूसरी व्यवस्था कर गए हैं भंडारे वंडारे की, दोस्तों गंगोत्री भैरव घाटी नेट आवाज है लंका, ये कौन सी लंका भाई मेरे को पता नहीं, रावण की लंका का तो पता है मेरे को, टूरिस्ट रेस्ट हाउस 2 किलोमीटर। हाँ ये है दोस्तों यहाँ पर आपको होटल या गेस्ट हाउस की सुविधा भी मिल जाएगी, अदरवाइज तो ऐसे ट्रेस्टर के वहाँ ऊपर ये चीज़ें मिलना मुश्किल होता है। इनके दोस्तों गंगोत्री है हमारे मेन चार धाम जो सर्किट है उत्तराखंड में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब तो गवर्नमेंट ने फिर भी ज़्यादातर रोड तो वाइड कर दिया है, और ओहो अमेजिंग दोस्त क्या व्यू है, दोनों तरफ बर्फ बर्फ पड़ी पूरी धारा आ रही है भागीरथी आगरा लखनंदा से मिलकर गंगा नदी का सब रूप लेकर गिरती है, अब तो दोस्त लग रहा है दो दिन और भी हजारों भोजन का करने का ट्रैक्शन देना पड़ेगा, पहले गोर में चलानी पड़ेगी क्योंकि ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। बड़ा खतरनाक रास्ता दोस्तों, स्पीड हो गया था जब वो कहते हैं दोस्तों कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक है। ये देखो दोस्तों लंगूर बंद है दोनों तरफ, इंजॉय कर रहे हैं अपने नेचर में खान पान कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे नजारे दोस्तों घर के पास तो देखने को मिलेंगे। फिर बी आर ओ का मैं दाद देता हूँ कि इतनी हाइट पे वो ठंड लगी है, वो बनाना
तो अगर बिल्कुल ही अगर ट्रैक्शन नहीं मिला तो पहले गेम सब कुछ जम गया हुआ यहाँ तो हाँ तो बोला भी जा रहा है स्लोप से नीचे उतरते अब तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्रैकिंग करता हूँ बर्फबारी ना हो बाइक पर कंट्रोल कर ओके वाइज बाइक का यही फायदा है यार मेरे आगे की प्रैक्टिस को देख सकते हो आराम से ऐसे में थोड़ा सा बहुत ब्लॉक हो जाता हूँ पूरा कुल्लू मनाली कश्मीर वाली हर जगह भी इसे कहते हैं शौक पूरा हो गया हूँ क्योंकि सारी इतनी बर्फ देख ली कह रहे मेरे कहते जहाँ जहाँ पैचेस थी वहाँ मतलब उसको वाइट रोड बना दिया है गवर्नमेंट ने बाकी
when you have been doing it. And then you don't even want to get it. यहाँ तो बोल रहे हो कि किलोमीटर भारी हो रहा है, वो कहते हैं ना कि पहाड़ों का एक किलोमीटर प्लेन के तीन किलोमीटर में लगा देते हैं संभल के जाना होता है ना। यहाँ लग रहा है बर्फ गिरी है एक दो दिन पहले, तो काफी ज्यादा बर्फ गिरी है। जितनी खूबसूरत उतनी खतरनाक होती बर्फ पहाड़ों में, खासकर राइडर्स के लिए और खासकर बाइक राइडर्स के लिए। दोस्तों गाड़ी वाले को तो फिर भी चलो, दिस इज रियल एडवेंचर। वो रोड से तो ज्यादा दोस्त आइस की रोड के ऊपर बाइक चलाना ज्यादा मुश्किल है, उसके अंदर ज्यादा आपको तो होना ही था दोस्तों, देर से हो जाए पूरा शीशा ही भाई बर्फ में चला गया। Thank you.
भाई नीचे तकते हफ्ते भाई वो नीचे उतरते हफ्ते बहुत ज्यादा चांस है, डबल चांस है। ये सजेस्ट करूंगा कि माइक पे ना सर्दियों में नहीं आना चाहिए। मैं तो जल फरवरी में आया हूँ, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बढ़िया क्या जनवरी में नहीं होता, जनवरी में तो पूरे रोड है ब्लॉक होते, तो वो आगे फिर बैठे इस तरह से नहीं होगा, बर्फ कम जाएगा। तो दोस्तों आप मार्च या अप्रैल में आओ, एटलीस्ट जब तक एटलीस्ट यहाँ इतनी बर्फ नहीं होगी, मतलब रोड के ऊपर बर्फ नहीं होगी। बिना इसके तो अर्गन में चला ही नहीं पाता, कर्म ही पूजा है सच्चे हमें। वैली दिखती है गंगोत्री, हमने जो धूप पड़ रही शायद वहां पर डूब मर जाएंगे, इसलिए तो रोड था ही नहीं।
1 kilometer over there. दोस्तों पुणे रोड पर बर्फ ज्यादा जमी हुई है, जहाँ पर धूप नहीं आ पाती, क्योंकि जहाँ धूप आएगी वहां तो दोस्तों बर्फ पिघल ही जाएगी, क्योंकि धूप काफी अच्छी खासी पड़ रही है। जो कुछ वैली होती है पहाड़ की एक साइड बर्फ नहीं आ पाती, सॉरी धूप नहीं आ पाती, तो पुलिस सिंथेटिक जो इंजन ऑयल डलवाए थे ना काफी अच्छा काम कर रहा है इंजन को, कोई काफी स्मूथ है, अदरवाइज इंजन हार्श हो जाता है। पहले मैं कई बार जैसे इसको लूम करके ले गया था शहर से, लेकिन पुलिस सिंथेटिक में हार्श नहीं बना। आगे के 2 किलोमीटर मुझे लग रहा है काफी खतरनाक होने वाले। और वो भी वहां पर कुछ नहीं मिला तो अलग दिक्कत है। और कोई रुकने की जगह नहीं मिली ना, वो दिक्कत है।
handle it. Easy, easy. नोट पे 2 मिनट दिखा रहा और 1.4 किलोमीटर, तो 2 मिनट तो नहीं, कम से कम भी इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। उसी है जैसे तैसे पहुंच ही गया मैं। कुछ पैस तो किए हैं, आई होप वहां कुछ व्यवस्था हो उतने तो। रात को तो अंदर बैंड लग जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ हो गया व्यवस्था। ठंड में बहुत परेशानी हो रही है, नींद कंट्रोल नहीं, तो कैसे जाओ नंगे होटल में, नंगे Mm-hmm.